गाइज़, आज फिर हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे कि बिना फ्रेम वाली पेंटिंग को कैसे सेफली पैक कर सकते हैं और मैं किस तरह से फ्रेम करके कोरियर करता हूँ किसी भी ऑर्डर को। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक स्केच है मेरे पास। सबसे पहले मैं स्केच को एक चार्ट पेपर में रैप कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं स्केच को दो थर्मोकोल शीट्स के बीच में रखूँगा। इस चार्ट पेपर को मैं अच्छे से टेपिंग कर रहा हूँ, इसके बीच में हमारे पास स्केच है और इस शीट के ऊपर, चार्ट पेपर के ऊपर मैं अपने पेज के नाम भी लिख रहा हूँ शीट्स वाइज समेत। सो ये मेरे पास दो थर्माकोल शीट्स हैं और इन दो थर्माकोल शीट्स के बीच में मैं ये स्केच रखूँगा। और गाइस, इस थर्माकोल शीट्स के बीच में मैं सपोर्ट के लिए एक से दो प्लाईवुड्स भी रख रहा हूँ। छोटे वाले रख सकते हैं हम प्लाईवुड, ताकि थर्माकोल शीट ब्रेक ना हो और स्केच को कोई फ़र्क ना पड़े। सो गाइज, इसके बाद मैं ब्लैक चार्ट पेपर के साथ कंप्लीट स्केच को रैप कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक पैकिंग किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी होनी चाहिए। और इस पैकिंग को मैं मोटी टेपिंग से फुली रैप कर दूंगा ताकि ये वाटरप्रूफ रहे और इन बिटवीन ड्यूरिंग कॉरियर इस पर अगर पानी भी गिरता है तो कोई इफेक्ट ना पड़े। भी ऑलमोस्ट रैप हो गई है नाउ। अब हम इस पे एड्रेस टिक करेंगे। एड्रेस जो कि मेरे पास व्हाइट शीट पे मैंने लिखा हुआ है, जिसको मैंने कॉरियर करना है। विल पार्सल इट थ्रू एनी ऑफ द कॉरियर सर्विस। आई यूजुअली ऑप्ट फॉर DTDC बिकॉज इट प्रोवाइड्स गुड सर्विस एंड डिलीवरी एंड डिलीवर द प्रोडक्ट अर्ली एंड सेफली। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑप्ट फॉर दिस DTDC कॉरियर सर्विस। So guys, hope this video is helpful to you and don't forget to subscribe for more useful videos in the upcoming session.